हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज है वृंदावन में हमारा तीसरा दिन और आज हमारी एनिवर्सरी भी है, तो हम लोग जा रहे हैं आज बांके बिहारी मंदिर में अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, और साथ में लगाएंगे वृंदावन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा और देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे आपको भी ले चलेंगे। तो फ्रेंड्स, होटल से निकलने के बाद ये बैटरी रिक्शा में बैठ के हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, जो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे हमारा रूम है। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड बैठ गए हैं आगे वाली सीट पे ड्राइवर के बगल पे, क्योंकि उन्हें पीछे सीट नहीं मिली थी। तो बस कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे बांके बिहारी मंदिर में। राधे राधे। कुछ गलियों में प्रसाद की दुकान, नाश्ते की दुकान और सभी प्रकार के फूल माला अंगूठी और मेरे बांके बिहारी कि कुंज गलियों में एक अलग ही आनंद है दोस्तों, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो लीजिए फ्रेंड्स, आ गए हैं हम बांके बिहारी के मंदिर में, और यहाँ देखिए बने हुए हैं फूल बंगले, यानी फूलों से पूरी सजावट हुई है इस हॉल की, ओरिजिनल फूलों से। देखिए कितना सुंदर ये फूल बंगला बना हुआ है बिहारी जी का, देखने में बहुत ही मनमोहक छटा है उनकी। और बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद मैंने और हस्बैंड ने एक दूसरे को इसी मंदिर में ये माला पहना दी। और बिहारी जी के दर्शन के बाद फिर मैं यहाँ आ गई यमुना जी में दीप दान करने के लिए, जो बिहारी जी के मंदिर से निकलने के बाद सीधे रास्ते पे ये यमुना जी ही पड़ती हैं सड़क के उस पार। तो बस यहाँ पे मैंने दीपक वगैरह ख़रीद लिया है और फूल वगैरह ले लिए हैं, तो बस अब यहाँ पे मैं करूँगी दीप दान। और ये देखिए यमुना जी का एक नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी इस समय यहाँ पे। तो दीपक जलाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन फिर वो जल गया था और यहाँ पे मैंने कर दिया था दीपदान। और यहाँ पे हस्बैंड जी मेरे बना रहे थे मेरा वीडियो, और फिर एक दीपक मैंने यहाँ पे और जला दिया था और उसको भी मैंने जल में प्रवाहित कर दिया था। और फिर यमुना जी के जल की कुछ बूंदें लेके मैंने अपने ऊपर डाली, और उसके बाद कुछ जल लेके मैंने पतिदेव के ऊपर भी छिड़क दिया था। ये हम लोगों को मिल गया है यमुना जी का आशीर्वाद। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ से यमुना जी का। तो फ्रेंड्स, अभी बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं यमुना जी में। ये देखिए बहुत अच्छी हवा चल रही है धूप के साथ साथ, और अभी दीपदान कर दिया है और अभी परिक्रमा में पड़ने वाले मंदिरों के दर्शन करेंगे। अभी हम जाएंगे निधिवन और जिस मंदिर जाएंगे तो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। और आज हमारी एनिवर्सरी है, तो ये देखिए मैंने और पति देव ने जयमाल कर लिया था बांके बिहारी मंदिर में। लीजिए, मिलिए। राधे राधे दोस्तों, सभी की मनोकामनाएं बांके बिहारी जी पूरी करें, यही आशा करता हूँ। राधे राधे। तो बस अब चलते हैं, आगे की परिक्रमा करते हैं। और धूप तो खूब हो गई है, लेकिन अच्छा लग रहा है। और यमुना जी का किनारा, और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ यहाँ केसी घाट पे पहुँच के
फ़ोटोज़ खींची और कुछ वीडियो बनाए, और ब्लॉग के एंड में मैं सारी फ़ोटो ऐड कर दूँगी। तो बस फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट करने के बाद आ गए हम यहाँ यमुना जी के मंदिर में। ये केसी घाट पे ही बना हुआ है और यहाँ पे यमुना जी का जल चन्नामृत के तौर पे दिया जाता है, तो हमने यहाँ पे वो ग्रहण किया। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ केसी घाट यमुना जी का एक नज़ारा। ये देखिए, इसे केसी घाट कहते हैं और सामने बना है यमुना माता का मंदिर। तो कुछ देर हम लोग यहाँ पे परिक्रमा करते करते थक गए थे, तो कुछ देर हम लोगों ने यहाँ विश्राम किया। सारे जो होते हैं, क्योंकि ये भगवान को राख ला रहे हैं, भूमिका में इनके दर्शन यहाँ स्वामी हरदास जी ने भजन किया, प्रकट किए बांके बिहार। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये मनोकामना के धागे मांगते हैं, जिनकी मनोकामना पूरी होती है धागे देखने बहुत फ्रेंड्स आ गए हैं अब निधिवन में, और निधिवन में दर्शन होंगे अब मेन मंदिर देख लीजिए। राधे 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 राधे। इधर आ जाओ बहन जी, सब अपना लोग इधर आ जाओ। एक बात कह, सखियों को जल चढ़ाया, नाम हुआ ललिता। बोलो ललिता सखी की जय, ललिता पुत्र की जय। ताली बजा के हंसी। और अभी निधिवन के रंग महल में हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, और आपको दिखाऊं ये पेड़, इन्हें पेड़ नहीं कहते, इन्हें कहते हैं लता पता। और इस तरह के पेड़ पौधे लता पता आपको पूरे निधिवन में देखने को मिल जाएंगे। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रात में रास रचाते हैं। तो ये देख लीजिए, मम्मी मोरे हम जो है कुंजगली से होते हुए गंगावन में जो है निधिवन आ चुके हैं, और निधिवन की परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग। राधे राधे सबको, राधे राधे। समाधियाँ बनी हुई ये जितने आप पेड़ देख रहे हैं हमारे यहाँ, इसको हम पेड़ नहीं, इसको बोलते हैं लता पता। सब राधा कृष्ण की सखी हैं, रात को सखी बनती हैं, दिन में राधा रानी का नाम लेके भजन करती हैं। ये जो आप सामने में देख रहे हैं, कोई भी लता मिलेगी आपको डबल, ऐसे दर्शन कितने सारे जो होते हैं, क्योंकि ये भगवान को राख ला रहे उसी भूमिका में इनके दर्शन होते हैं। यहाँ स्वामी हरदास जी ने भजन किया, प्रकट किए बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ताली बजाओ और सब। और फ्रेंड्स हम लोग परिक्रमा करते करते पहुंच गए हैं गौरी गोपाल आश्रम, अनुरुद्धाचार्य जी के आश्रम पे। आप लोगों ने जानते ही होंगे, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इतने पास से उनके दर्शन करेंगे, और आज तो हम लोगों को उनके चरण स्पर्श करने का मौका भी मिला। यहाँ पे वो सबसे मिल रहे थे और हर कोई उनको प्रणाम कर रहा था। तो बहुत ही करीब से हम लोगों ने आज उनके दर्शन किए। हम लोगों की परिक्रमा अब पूरी होने में ही है, और यह परिक्रमा के अंत में ही ये गौरी गोपाल आश्रम पड़ता है, तो कुछ देर हम यहाँ भी रुके। इत्यादि किसी भी सेवा में जुड़ना है, सहयोग करना है, तो आप कार्यालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और सहयोग राशि देकर के। और 2 से 3 घंटे के समय में हम लोगों ने अपनी ये वृंदावन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी कर ली है, और उसके बाद फिर
मैंने ये व्लॉग में कुछ फ़ोटोज़ भी ऐड कर ली हैं और ये दिन आज मेरे लिए बहुत अच्छा यादगार रहा, हमारी एनिवर्सरी का ये दिन। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी व्लॉग इंजॉय किया होगा। तो अब मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। राधे राधे, जय माता दी।